हाँ, उसका ऑडियो नहीं आ रहा है, वो लोग जो लैप कर रहा है। मैम तो देख रहे हैं, लाइव नहीं आ रहा ऑडियो। संविधान दिवस के खिलाफ है क्या? आप संविधान दिवस के खिलाफ है? आप तो शांत थे, आप कहाँ गए? हाँ, आ रहा है, आ गया। प्रश्नोत्तर काल, अल्पसूचित प्रश्न, श्री ललित कुमार यादव, श्री ललित कुमार यादव प्रश्न पूछ रहे हैं। जब जब संविधान दिवस का विरोध करिएगा तो नागरिकता कैसे बचेगी? नागरिकता बचाने के लिए संविधान की रक्षा करनी होगी। समझेगी भी महोदय, और इस तरह से हर दिन बेल में आना और एक से एक महत्वपूर्ण सवाल महोदय है, और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है महोदय। राज चिंतित है, राज की जनता चिंतित है कि शिक्षा के कैसे आगे बढ़ाया जाए, सरकार चिंतित है, और इनको कोई मतलब नहीं है महोदय। सवाल तो कर देते हैं और सवाल पूछने का भी साहस नहीं है महोदय। तो पुनः एक बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि अपने जगह पर जाएं और इनकी बात को सुनेगी, आसन भी सुनेगी, सरकार भी सुनेगी, और उसका उत्तर भी सरकार दे सकती है। लेकिन इस तरह से बेल में आके हंगामा करने पर न सरकार सुन रही है और न आसन सुन रहा है। जाके बोलिए ना, अपने अपने सीट पे जाके बोलिए, आप सीट पे जाके बोलिए ना, आप सीट पे जाके बोलिए, आप सीट पे जाके बोलिएगा तब हम सुनेंगे। हाँ, अरे ठीक, आप सीट पे जाके बोलिए, आप सीट पे जाके बोलिए, हम सुनेंगे। आप
सीट पर जाके बोलिए, हम सुनेंगे। अभी तो आप क्या बोल रहे हैं हम सुन नहीं रहे हैं। आप सीट पर जाके बोलिएगा तब ना हम सुनेंगे। आप सीट पर जाके बोलिए, आसन सुनेगा। कहां हम सुन रहे हैं? आप सीट पर बोलिएगा तब ना सुनेंगे। आप देखिए, आप सीट पर जाके बोलिए ना। आप सीट पर जाके बोलिए, हम सुनेंगे। और हमने तो कहा कि अपनी जगह पर जाएं और अपनी बात को रखें, और आसन भी इनकी बात को सुनेगा और सरकार भी इनकी बात को सुनेगा, समझेगा और उसके बाद इनको जवाब भी देंगे। लेकिन ये आसन पर नहीं जाने वाले हैं। ये संविधान दिवस है, आज संविधान दिवस पर भी ये संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते हैं। एक नकली संविधान, नकली लोग संविधान की रक्षा करने वाले नारा लगाने वाले हैं। ये नारा में विश्वास है इनको, संविधान और नियम और नियमावली में विश्वास इनको नहीं है। देखिए, आप लोग अगर आसन पर जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, शिक्षा मंत्री पूरी तैयारी से जवाब देने के लिए आए हैं। शिक्षा मंत्री पूरी तैयारी से जवाब देने के लिए आए हैं, उनको मौका तो दीजिए। कार्य स्थगन उठाने के समय पर उठाइएगा तब ना हम उस पर नियमन देंगे। और समय कैसे आसन नियमन देगा? संविधान के तहत अपनी नियमावली है और अपनी नियमावली में कार्य स्थगन उठाने का समय निर्धारित है। आप उस पर उठाइएगा, हम बोलेंगे। हमारा संविधान कहता है कि समय पर नहीं उठाए गए बिंदुओं पर आसन निर्णय नहीं ले सकता है। यही हमारा संविधान भी कहता है। अब सभा की बैठक कुछ बोल रहे हैं।